ये क्या हो रहा है? मेरी बेवकूफी के कारण वो कैदी भाग गया। क्या? वो कैदी बहुत जरूरी है हमारे लिए डूबा डूबा। हमें उसे वीरलोक की सीमा से बाहर जाने से पहले ही रोकना होगा। दुपर दुपर, दुपर दुपर। यहां से बाहर कैसे जाऊं? पूरा जीवन भी भागता रहा तो ये वीरलोक समाप्त नहीं होगा। तो फिर कैसे ढूंढूं यहां से बाहर जाने का रास्ता? कैसे? की वो बुरी शक्ति वीरलोक से तो बाहर जा ही नहीं सकती है, पर उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। बाल परी को तो चकमा दे दिया, लेकिन ये वीरलोक से बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा? ये कैसा यंत्र है? यही वो यंत्र तो नहीं जिसकी मदद से 20 साल पहले जयकाज वीरलोक से भागने में सफल हुआ था? यंत्र में मुझे जयकाज का चेहरा क्यों नजर आ रहा है? जयकाज के दो बेटे हैं, एक तो है रे, दूसरा बेटा कौन है? तो इसका नाम हम रखेंगे बालवीर। बालवीर? बालवीर जयकाज का दूसरा बेटा है, मतलब रे का भाई है बालवीर। ये तो मेरे हाथ खजाना लग गया है। बालवीर रे का भाई है, मतलब अब इस खेल में तीन बादशाह हैं। पहला बादशाह रे, दूसरा बादशाह बालवीर, और तीसरा बादशाह मैं, मुंबई। मजा तो तब आएगा जब इस खेल को मैं उल्टा घुमाऊंगा। मुझे क्या करना है? मुझे बालवीर को सिर्फ ये सच बताना है कि शौर्य ही वो है जिसने उसके पिता को मारा। उसके बाद बालवीर शौर्य के साथ नहीं, शौर्य के खिलाफ खड़ा होगा। वो रे से नहीं, शौर्य से लड़ेगा।
अच्छाई अच्छाई का खात्मा करेगी और खुद बुराई के सिर पे जीत का ताज पहनाएगी। बालवीर, बालवीर कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताना है तुम्हें। मुझे तुम्हें बताना है कि कैसे शौर्य ने बालवीर को सच बताने की तुम्हारी हर कोशिश बेकार रहेगी। बालवीर को सच बताकर रहूंगा मैं। उसे बताऊंगा कि कैसे उसे अपनों ने ही धोखा दिया है। बस एक बार खड़ा हो जाऊं मैं। यही तो नामुमकिन है यहाँ, क्योंकि धरती लोक और वीर लोक की तरह इस कारावास में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इसलिए जब भी तुम यहाँ से उठकर भागने की कोशिश करोगे तो गिर पड़ोगे, और फिर से उठने की कोशिश करोगे तो फिर गिर जाओगे। इसलिए बस यहाँ उठते और गिरते रहोगे। चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं। ठीक इसी तरह बुराई चाहे किसी भी हाल में हो, अच्छाई पर वार करना नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे अंदर बुराई बची कहाँ है? वो सारी बुराई तो इस जीव में आ चुकी है। अब तुम पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुके हो। सिर्फ उस दिन यहाँ से बाहर निकल पाओगे जिस दिन तुम्हारे अंत की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा अंत करके तुम बालवीर से सब छुपा लोगे? तुम उससे ये छुपाओगे कि शौर्य ने मारा उसके पिता को, हा? और तुम एक बार तो क्या 100 बार भी मेरा अंत करने की कोशिश करोगे? मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं बालवीर को सच बताकर रहूंगा, और फिर मैं नहीं बालवीर रचेगा वीरलोक में विनाश, जिसे तुमने बुराई का अंत करने के लिए बनाया ना, वही बालवीर अपने हाथों से अच्छाई का नाश करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी तुम बुराई का कदम उठाओगे बालवीर की ओर, शौर्य ढाल बनकर खड़े होंगे उसके सामने। ये शौर्य ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बम्बाल मुझसे बताना चाहता है? लेकिन शौर्य, आज तक हमने वीरलोक के इतिहास में इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया, बल्कि तिमनासा का अंत करने के लिए भी हमने मृत्यु कक्ष का उपयोग नहीं किया था। तो फिर शिंकाई के दुश्मन को मारने के लिए हम इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं? ये कहाँ का न्याय है? क्या तुम्हें हमारे न्याय पर संदेह है बालवीर? शौर्य,
मैंने आज तक आपके न्याय पर प्रश्न नहीं उठाया है, लेकिन ये तो इस बार भी प्रश्न मत उठाओ बालवीर। वीरलोक का संचालन हमारी जिम्मेदारी है और हम जानते हैं हमें कब क्या करना है। बालवीर, बुराई को सजा मिलने पर तुम इतने विचलित क्यों हो रहे हो? और वैसे भी अब दिवाली का समय है ना, धरती पे जाओ, अच्छाई की रोशनी को फैलाओ, अपने परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मनाओ। और वैसे भी विवान भी तो तुम्हें याद कर रहा होगा ना। अब यही सही समय है अनन्या पे वार करने का रे। राइट लेडी पीपा, इस वक्त अनन्या के सिवाय कोई भी नहीं, बस अनन्या को ये मैजिकल बैंगल पहनाना है, जॉब डन। हाय नानी। ओ हाय, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? हुई ना, ऑफ कोर्स हुई। वैसे मैं यहाँ तुम्हें दिवाली विश करना आया था। हैप्पी दिवाली। तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। और एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया तुम्हारे लिए। वाओ, गिफ्ट मेरे लिए? यस। या। वाओ, दिस इज सो प्रिटी। इजंट इट? एक मिनट, तुम्हें मुझे गिफ्ट देना ही है ना, तो आज शाम को दिवाली पूजा के बाद देना। वैसे भी आज मेरा थोड़ा स्पेशल डे है, ठीक है? I'll see you, bye. रे को नो बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें बैंगल तो पहनना ही पड़ेगा। मम्मी क्या? वो देखो, वो आगे से लेते हैं ना, आगे भी दुकान है। हाँ। विवान, हाँ, ये देख, ये स्पेशल दिया खरीदा है। कैसा है? हाँ, अच्छा है, अच्छा है। इसको ना बहुत ज्यादा संभाल के रखना। हाँ माँ। हाँ, और इसमें मूर्तियाँ हैं। हाँ। अच्छा माँ, हाँ पिछले एक घंटे से शॉपिंग कर रहे हैं, अब तो घर चलते हैं ना, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। अरे बोलो नहीं, सुनो, अभी तो मिठाइयाँ लेने भी बाकी है, फिर चलते है ना घर। मिठाइयाँ उधर है खुशी, चल। अरे मम्मी एक सेकंड, और विवान ये मेरे कपड़े हैं, इनका ख्याल रखना। और मम्मी अब मुझे बस एक हेयर बैंड और चाहिए। अरे दीदी, एक हेयर बैंड क्यों, आप तो अगली दिवाली की भी शॉपिंग कर लीजिए ना। नहीं नहीं कीजिए। वैसे मम्मी इसका आइडिया बुरा नहीं है, चले। अरे चलो। अरे एक सेकंड, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इससे ज्यादा बैग नहीं पकड़ सकता। थैंक गॉड विवान तुम मिल गए, मेरे तो हाथों में दर्द हो रहा था ये बैग्स पकड़ के। दीदी आपने ये इतना सब क्या खरीदा है? अरे मैं ड्रेसेस ले रही हूँ ना स्पेशल डे पे पहनने के लिए। दीदी कोई 10 दिन की सेरेमनी नहीं है, एक ही दिन की काफी है। वीर लोग ने एक जाइए जाइए अंकल। वीर लोग में एक ही गाउन रोज पहन के घूमूंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। दीदी मैं तो कहूँगा शौर्य से कि आपको शॉपिंग परी बना दे। ऐसे भी कोई परी होती है क्या? नहीं। अच्छा विवान, यहाँ पे 10 मिनट और रुको प्लीज, मैं 10 बैंगल्स और लेके आती हूँ, ठीक है? यहीं पर अपना कहीं बचाना पाए। 10 बैंगल्स? अरे अरे जाओ। कहाँ? उस चूड़ियों की दुकान में। तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाने? लो आखिर दोनों बालवीर से डर कर तुमने चूड़िया पहनने का सोच लिया। ये मैजिकल बैंगल लो और जाकर उन चूड़ियों की दुकान में सारी चूड़ियों के साथ रख दो। एंड मेक श्योर कि अनन्या उन चूड़ियों के साथ साथ ये बैंगल भी ट्राई करने के लिए जरूर पहने, वरना ऐसा मेकअप करूंगा कि खुद को पहचान नहीं पाओगे, समझे? जाओ। जाता हूँ, जाता हूँ। बाबा
डबल वन क्यों नहीं दिए? बैठे बैठे कुछ तो अच्छा काम किया। एक सेकंड। मैं तो अच्छा काम करने किया था, ये गड़बड़ कैसे हो गई? अरे कोई बचाओ रामू काका को, कोई उतारो मुझे नीचे। अरे अरे बचाओ, उतारो मुझे नीचे जी। कहाँ फंस गया भाई? आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। सॉरी हाँ, मैं ठीक है जी। दीदी हो गई क्या आपकी शॉपिंग पूरी? हाँ मेरी शॉपिंग तो कब की हो गई? वैसे भी मैं ज्यादा शॉपिंग थोड़ी करती हूँ। अच्छा, हम करुणा आंटी और खुशी का वेट कर ले। हाँ, वो सारे बैग उधर ही। अच्छा बीरबा, इस बार काम पूरा होना चाहिए। अंदर कोई प्रॉब्लम है, मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा। दीदी मैं तो बाहर ही था, फिर अंदर ये तूफान कैसे आ गया? तूफान तो आना ही था ना विवान, मेरा मूड जो ऑफ है, एक भी ड्रेस नहीं अच्छी लग रही मुझ पे। अरे दीदी दीदी काम डाउन, एक ही मिनट में तो आप रॉकिंग से शॉकिंग बन गए। ऐसा रूप तो मैंने आपका पहले कभी नहीं देखा। अब मेरा असली रूप अभी तुमने देखा ही कहाँ है विवान? क्या कहा आपने? अब मेरे कहने का मतलब है कि परी बनने का चांस भी तो मुझे पहली बार मिला है ना। तुम ही बताओ अब मैं क्या पहनूंगी? फिकर ना दीदी, आपका ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा। और वैसे भी आप कोई भी ड्रेस पहन लो, हर स्टाइल सूट करती है आप पर। वो तो है, आखिर बिल बिल वीर वीर लोग जाने के लिए कुछ बेस्ट ही पहनना पड़ेगा ना मुझे विवान, तो प्लीज कुछ अच्छा सा लेके आना मेरे लिए। यू आर द बेस्ट। शौर्य, अब मैं और देर तक सच नहीं छिपा सकती हूँ बालवीर से। बालवीर को तो अंदाजा भी नहीं है कि उसका पूरा जीवन एक झूठ पर टिका है। मैं भी सच छिपाना नहीं चाहता बालवीर से, पर मैं मजबूर हूँ बालपरी। ऐसी भी क्या मजबूरी है शौर्य, अगर हम
अच्छाई के पहरेदार ही सच्चाई को छिपाने लगे तो हम में और बुराई में क्या अंतर रह जाएगा? हर चीज का एक सही समय होता है और ये समय सही नहीं है बालवीर को सच बताने का। जबान से सच और धनुष से बाण एक बार निकल जाए तो वो फिर लौट कर वापस नहीं आ सकते। शौर्य, क्या आपको इस बात का डर है कि अगर बालवीर को सच्चाई का पता चल गया तो वो अच्छाई का दुश्मन बन जाएगा और हम बालवीर को खो बैठेंगे? नहीं शौर्य, नहीं। मैंने खुद बचपन से बालवीर को सच्चाई और अच्छाई की सीख दी है। मैं उसे समझाऊंगी कि जो कुछ भी हुआ है वो सब क्यों हुआ है। और आप तो बालवीर के मार्गदर्शक हैं। बालवीर आपके खिलाफ कभी नहीं खड़ा होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि बालवीर मेरे विरुद्ध खड़ा होगा। तो फिर किस बात की चिंता है? मुझे चिंता है कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। सच जानने के बाद बालवीर के हृदय से गुस्से की जो भयंकर अग्नि निकलेगी वो वीरलोक को भी जला सकती है, या फिर धरती को, या शायद पूरे ब्रह्मांड को। इसलिए ब्रह्मांड को बचाने के लिए ये जरूरी है कि बालवीर कभी अपना सच न जाने। और इसलिए हमने शिनकाई के साथी को मृत्यु दंड सुनाया था। ये समझ लीजिए बालपरी, बालवीर के गुस्से को विध्वंस का ब्रह्मास्त्र बनने से रोकना है तो बम्बाल का अंत आवश्यक है। फिर तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिससे बम्बाल बालवीर तक कभी ना पहुंच सके और वो बालवीर को सच कभी ना बता सके। रे, वीरलोक में सिर्फ बालपरी जानती है कि बम्बाल श्री है कहाँ। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया बिरबा। मिस्टर बी के वान का अंश है ये दांत का टुकड़ा। अब मैं इसे मैजिकल रेज भेजूंगा जो मिस्टर बी को ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे। बस तुम अपनी आंखें खुली रखना। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्या बढ़िया आयोजन किया है, दिल खुश हो जाएगा। मिस्टर बी बालपरी के नेकलेस में बिरबा। तो अब वो नेकलेस बालपरी के गले में नहीं, मेरे हाथों में होगा। अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो समारोह के स्थान पर होना चाहिए ना। क्या हुआ अनन्या? बालपरी, वो क्या है? मां सतर्क रही। विवान से पता चला है कि वीरलोक में कोई बहरूपिया घुस आया है। कौन हो तुम और अनन्या का रूप लेकर यहां क्यों आई हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम अनन्या का रूप लेकर वीरलोक में आओगे और हम तुम्हें जानेंगे नहीं? बोलो, कौन हो तुम? जानने में तुमने थोड़ी देरी कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीरलोक में आने की? यहां आ तो गई हो लेकिन you
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.